नमस्कार, पूर्वांचल टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव एक निजी कार्यक्रम में गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की और बताया कि एक शादी के कार्यक्रम में आया हूं। उन्होंने कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन में मां बेटी की दुखद मौत पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था तो यह बुलडोजर के नाम पर तालियां बजा रहे थे ये बीजेपी के लोग। कानपुर देहात में एक ब्राह्मण बेटी और उसकी मां एक झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी पर भी बुलडोजर चला करके कुचल दिया गया है और मौत हो गई है। और जब मौत हो गई है तो उसके बाद आपने देखा है कि लखनऊ में पूरा मंत्रिमंडल जश्न मना रहा था, कोई भी मंत्री शोक संवेदना देने भी नहीं पहुंचा और ट्वीट पर शोक संवेदना व्यक्त की गई है। अभी तो इन्होंने ताली बजवाए है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के नाम पर विपक्ष को धमकाने का काम कर रहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विपक्ष को बर्बाद करने का काम कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में बुलडोजर के नाम पर ये ताली बजवा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कानपुर देहात में एक ब्राह्मण बेटी और उसकी माँ एक झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी पर भी बुलडोजर चलाकर कुचल दिया गया है और मौत हो गई। और जब मौत हुई है उसके बाद आपने देखा है कि लखनऊ में पूरा मंत्रिमंडल जश्न मना रहा है, कोई भी मंत्री शोक संवेदना देने भी नहीं पहुंचा है और ट्वीट पर केवल ट्वीट पर ही तो, जबकि पूरी सरकार। और मेरा कहना तो है, अभी तो उन्होंने ताली बजवाई है, कुछ दिनों बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर को पीटेंगे, अपने अपने सिर को पीटेंगे। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर के नाम पर, केवल ये बुलडोजर के नाम पर विपक्ष को जो धमकाने का काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विपक्ष को बर्बाद करने का काम कर रही है, जबकि आपने देखा है कि हमारी भी सरकार रही, नेताजी भी तीन बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, पूरे विपक्ष को सम्मान दिया जाता था, लेकिन इस सरकार में विपक्ष को केवल बर्बाद और जेल में टूटे कदमों में जेल में ये काम है। बस इस विकास को तो नहीं रहा, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विकास के नाम पर ये सरकार जीरो। पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरशाही के हवाले प्रदेश को छोड़ दिया है, तो प्रदेश की तो बर्बादी है। नेताजी, अभी इन्वेस्टर जो सबमिट हुआ है और देश में विकास के लिए निवेश की, भारी निवेश की बात की जा रही है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश निवेश से विकास करेगा या क्या होगा? देखिए, ये तो 9 साल से इन्वेस्ट आ रहा है, इनसे पूछिए और फिर इनसे पूछिएगा बजट का कितना हिस्सा खर्च कर पा रहे हैं। अभी तक बजट जो उत्तर प्रदेश का बजट कितना खर्च किया है, और जब हम लोग मंत्री थे तो जितना ये पूरे बजट का खर्च करते हैं उतना हम लोग एक जिले में, हम और अखिलेश मिलकर के एक जिले में खर्च कर देते, पैसे इन्वेस्ट से क्या है। और अभी तक इनको पूछे कितना इन्वेस्ट लाए हैं 9 साल के अंदर, जब बजट खर्च कर नहीं पा रहे हैं तो ये तो बस केवल अभी तक अंसारी की बहू के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, अफजल अंसारी कह रहे हैं कि अब परिवार में हमारे जो है अब नया चैप्टर शुरू हो गया, क्या लगता है सर इस तरह की जो कार्रवाई को लेकर? देखिए, झूठे मुकदमा इसी तरीके से बताइए, जेल में
विधायक बंद हैं, अगर परिवार का कोई मिलने भी नहीं दिया जाएगा और झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाएगा तो बोल के मैंने कहा विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। सर बीबीसी 2024 में इसका जवाब बैलेट से दिया जाएगा। देखिए हम तो संगठन के आदमी रहे हैं, आपको पता है, सब लोगों को पता है, अब हमारा केवल संगठन को मजबूत करके 2024 का हम चुनाव हो चाहे 2027 का चुनाव हो इन्हें सत्ता से हटाने का काम करें। सर रामचरितमानस के मामले पर समाजवादी पार्टी के कई विधायक और प्रवक्ता जो है मौर्या जी के विपक्ष में हो गए हैं। ये बातें छोड़िए, हम लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं इन बातों पर, इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं भारतीय जनता पार्टी के, केवल धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं। सर एक अंतिम सवाल सर, बीबीसी के कार्य समाजवादी पार्टी मजबूत है और यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने 2024 चुनाव का आगाज किया है, इसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा? देखिए हम अपने पार्टी का संगठन मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के कोई भी हो उसको हराने का काम करेंगे और यहीं पर नहीं गाजीपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके सत्ता में आने का काम। बीबीसी के कार्यालय पर इनकम टैक्स का लगातार रेट पड़ रहा है, उनका काम ही क्या भारतीय जनता पार्टी, केवल टैक्स वसूल के नाम पर लूट करने का काम है बस। कानपुर देहात के डीएम का एक वीडियो वायरल हुआ नाच करते हुए, उनका उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जिस दिन घटना हुई थी, क्या कहते हैं? क्या है कानपुर के डीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो डांस करते दिख रहे हैं, उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जब घटना हुई थी, जब पूरी सरकार लखनऊ में जश्न मना रही थी। डीएम भाई मैंने तो पूरी नौकरशाही पर छोड़ दिया है पूरा उत्तर, इसलिए पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। Thank you.